फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बजनपुरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, चार आरोपी अभी भी फरार हैं। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को वीरवार की सुबह बताया कि भजनपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष बिहार की गली नंबर 8 और 7 में, जो कि 29 अगस्त की मध्य रात को 5 लोगों ने 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई थी और दूसरा घायल था, जिनकी गोली लगी थी वह मामा भांजे थे। इसमें जब जांच की तो इसमें एक माया गैंग सामने आ रहा था। बाद में पता चला कि इसमें जो गोली चलाने वाले माया गैंग के 5 लोग हैं, जिसमें खुद एक मुखिया जो समीर उस माया वो खुद इसमें शामिल था। हालांकि इसमें पुलिस टीम को सफलता हासिल मिली है। इसमें एक आरोपी जिसका नाम बिलाल गनी उर्फ मल्लू है, जो कि कुछ ही दिन पहले 18 साल का हुआ है और 27 अगस्त को इसका 18वां जन्मदिन था, जो गांजा पीने की आदत के कारण उसका उपनाम मल्लू पड़ गया था। वह घर में 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है और उत्तरी घोंडा भजनपुरा की एक बिल्डिंग की दुकान पर काम करता था और उसके पिता एल्युमिनियम कटर और बढ़ाई का काम करते हैं। इस आरोपी को तड़के सुबह यानी कि 31 अगस्त की तड़के सुबह 2 बजे के आसपास इसको गिरफ्तार किया है सिग्नेचर ब्रिज के पास से, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि इसमें 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिनके नाम मोहम्मद समीर उर्फ माया पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इस्लाम निवासी गली नंबर 14 उत्तरी घोंडा का है, इसकी उम्र 18 वर्ष, ये माया किंग का सरगना है, मुख्य आरोपी भी है। दूसरा सोहेल उर्फ बावर्ची पुत्र शकील अहमद जो रहने वाला गली नंबर 2 नूर इलाही भजनपुर का, इसकी उम्र 23 वर्ष। तीसरा मोहम्मद जुनेद उर्फ मामा बिरयानी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद साविर निवासी गली नंबर 9 ब्रह्मपुरी रोड का, इसकी उम्र 23 वर्ष। चौथा अदनान उर्फ डॉन निवासी चांदबाग का है, इसकी उम्र 19 साल। ये चारों अभी फरार हैं। हालांकि इसमें एक आरोपी जिसका नाम बिलाल है, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। डीसीपी का कहना है कि बाकी चारों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आगे डीसीपी ने यह भी बताया कि मारने का जो मकसद था, वो बताया कि ये पांचों ही गली में जा रहे थे और जो विक्टिम थे उनकी गाड़ी के साथ अटैच हो गई थी, यानी कि रोड रेस का मामला सामने आया था, जिसमें उन पांचों ने जो समीर के पास बंदूक थी वह बंदूक छीन कर जो हरप्रीत और दूसरे गोविंद इन पे गोली चला दी थी। हालांकि इसमें 36 वर्षीय हरप्रीत गिल पुत्र कर्नल सिंह निवासी गली नंबर 1 भजनपुरा का है, इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये मृतक अमेजन में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करता था। दूसरे जो घायल हैं वो मृतक के मामा लगते हैं, जिनका नाम गोविंद सिंह है, जो भजनपुरा में रहते हैं, इनकी भी गोली लगी थी। बहरहाल ये अब खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी बिलाल अपराध से अछूता नहीं है, वह 2022 में वह 2 जघन्य मामलों में शामिल था, जिसमें भजनपुरा में एक हत्या और एक डकैती का मामला शामिल था, जहां उसने और उसके साथियों ने भजनपुरा में एक व्यक्ति से एक स्कूटी लूटी थी। उस समय नाबालिग होने के कारण वह कुछ समय ही बाल सुधार गृह में ही रहा था, उसके बाद बाहर आ गया था। हालांकि 29/8/2023 को वह अपने 4 अन्य साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद समीर उर्फ माया जो 18 वर्ष का है और सोहेल उर्फ बावर्ची जो 23 वर्ष का है, मोहम्मद जुनेद उर्फ बिरयानी जिसकी उम्र 23 वर्ष है और अदनान उर्फ ड्रोन जिसकी उम्र 29 वर्ष है, इन चारों के साथ उत्तरी घोंडा भजनपुरा में माया के घर पर पार्टी कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे पांचों ने घूमने के लिए बाहर निकले का फैसला किया तो मोहम्मद समीर जो कि माया के पास पिस्टल थी, वे टीवीएस एनकॉर्ड और होंडा एक्टिवा पर यात्रा कर रहे थे। ये पांचों भजनपुरा के अंदर की संकरी गलियों में चले गए, वे कुछ स्थानों पर रुके, अंत में गली नंबर 8/4 सुभाष विहार भजनपुरा के अंदर चले गए, जहां गली नंबर 4/8/4 काफ़ी संकरी होने के कारण 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे को पार नहीं कर सकती थी, जब तक कि उनको रोकने का और दूसरे को गुजरने देने के लिए तरफ झुकना ना पड़े। हालांकि संयुक्त से हरप्रीत गिल की उम्र 36 वर्ष और दूसरा गोविंद सिंह उम्र 32 साल, ये दूसरी तरफ से आ रहे थे। दोनों पक्ष चाहते थे कि दूसरे रुके और वो निकलें, बल्कि बिलाल और उसके साथी अत्यधिक आक्रामक हो गए और जुनेद ने उतरकर गोविंद सिंह को थप्पड़ मार दिया। जब गोविंद और हरप्रीत ने युवाओं से बात करने के लिए नीचे उतरने की कोशिश की तो मोहम्मद समीर और माया ने करीब से गोली चला दी और हरप्रीत और गोविंद दोनों के सिर पर गोली मार दी। हमलावर मौके से
गाड़ी चलाकर भाग गए। दोनों पीड़ित नीचे गिर गए। हरप्रीत ने दम तोड़ दिया और गोविंद के सिर पर गोली लगने के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार हो गया और चार आरोपी अभी भी फरार हैं। ये पांचवें आरोपी माया गैंग से हैं।